दोस्तों को सभी का टाइम है इंस्टाग्राम पर ये वाला ट्रेंड के काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, मिलियंस में व्यूज आ रहे इस वाले ट्रेंड के ऊपर। तो गाइस आपको यहां पे कुछ इस टाइप का लाइटिंग इफेक्ट कैसे ऐड करना है, और गाइस आपको यहां पे कुछ इस टाइप के सर्कल वाला और गाइस आपको यहां पे लाइन वाला इफेक्ट कैसे ऐड करना है, कैसे मैं आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को फटाक से लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी साइड जरूर से कर देना, बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको सीक्यू और वीपीएन की जरूरत पड़ेगी इस वाले ऐप की, ठीक है। और गाइस आप इसे प्ले स्टोर से बहुत इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। गाइस पहले आपको यहां पे इसे जरूर से कनेक्ट कर लेना है। बस आपको यहां पे कनेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहां पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। और गाइस यहां पे मैं जिस ऐप का यूज कर रहा हूं कैपकट ऐप का, गाइस ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वाला है, ठीक है। तो ये वाला आपको डाउनलोड कैसे करना है गाइस आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, आप इसे बहुत इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, देन आपको ओपन कर लेना, देन आपको यहां पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे फोटो वाले ऑप्शन जाना है और आपको यहां से अपने कोई एक फोटो चूज कर लेनी है। सो गाइस जैसे मैं से ये वाली फोटो चूज कर लेता हूं, ठीक है, देन आपको यहां पे ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस यहां पे मेरी फोटो आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको वीडियो का फ्रेम सेट करना पड़ेगा। तो गाइस आपको यहां पे रेशो वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहां पे 9:60 वाला रेशो चूज कर लेना है। देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको यहां से अपनी फोटो पे क्लिक करना है और आप इसे यहां पे अच्छी तरीके से जूम भी कर सकते हो। सो गाइस फिलहाल मैं आप इसे बीच में लेके आ जाऊंगा, ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। तो गाइस अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको लास्ट में जाना है, वाटर मार्क पे क्लिक करना है और आपको यहां पे डिलीट कर देना है। सो गाइस अभी क्या करना है, गाइस आपको यहां पे ओवरले वाले ऑप्शन क्लिक करना है, देन आपको यहां पे ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। और गाइस आपको यहां पे वीडियो वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां पे एक वीडियो मिलेगी साउंड वाली, ठीक है। तो गाइस आपको साउंड वाली वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस आपको यहां पे ऐड कर लेना है। गाइस यहां पे हमारी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो गाइस हम यहां पे अपनी इसी वाली वीडियो के हिसाब से अपनी खुद की वीडियो को एडिट करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस आपको यहां पे अपने फोटो पे क्लिक करना है और आपको यहां पे अपने वीडियो के बराबर का कर लेना है, ठीक है, नीचे वाली वीडियो के बराबर का। सो गाइस यहां पे हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हो। सो गाइस अभी क्या करना, आपको अपनी वीडियो पे क्लिक करना है, आपको इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और गाइस आपको नीचे साइड ला के रख लेना है। गाइस हम यहां पे बाद में से डिलीट भी कर देंगे। तो गाइस अभी क्या करना, गाइस देखो आपको यहां पे अपनी नीचे वाली छोटी वाली वीडियो में आपको यहां पे ये देखना है कि गाइस यहां पे इफेक्ट कहां पर आ रहा है। गाइस हमारा यहां पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, आप यहां पे देखते हो बस लाइटिंग वाला इफेक्ट। तो ये आपको अपनी मेन वीडियो में भी ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस क्या करना, आपको यहां पे कुछ इस टाइप से आना है, यहां पे इफेक्ट चालू हो रहा है, ठीक है। देन गाइस आपको यहां पे बैक करना है और आपका यहां पे इफेक्ट वाले ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस इस वाले ऑप्शन में। देन आपको बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना है, गाइस आपको यहां पे बहुत सारे फिल्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस आपको यहां पे वीपीएन को जरूर से कनेक्ट कर लेना है, वरना आपको यहां पे ये वाले इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो गाइस अभी क्या करना, गाइस आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, आपको यहां पे स्ट्रोक वाले ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस आपको यहां पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, ठीक है, पहला वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। गाइस आपको यहां पे ऊपर नीचे करके देख लेना है, आपको यहां पे ऊपर नीचे भी मिल सकता है। सो गाइस आप बिल्कुल फर्स्ट में तो इस पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, देन आपका रेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे नीचे वाली वीडियो में ये देखना है कि ये वाला इफेक्ट कहां तक आ रहा है, ठीक है, वीडियो में आगे। सो गाइस आपको यहां पे आगे तरफ आ रहा है एंड आपको यहां पे अच्छी तरीके से देख रहे हैं, यहां तक आ रहा है, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो। गाइस यहां पे खत्म हो रहा है नीचे वाली वीडियो में, तो आप यहां पे इस पे क्लिक करना है। गाइस आप यहां पे कुछ इस टाइप से लाके रख लेना है, ठीक है, अपनी मेन वीडियो में भी। सो गाइस यहां पे इफेक्ट लग चुका है। सो अभी क्या करना है, आपको यहां पे फिर से आगे की तरफ आना है एंड आपको यहां पे ये देखना है कि यहां पे दूसरा इफेक्ट कहां पर आ रहा है। सो गाइस यहां पे ये वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, आप यहां पे लाइनिंग वाला देख सकते हो, बस ये वाला इफेक्ट। तो क्या करना है, गाइस आपको यहां पे ये देखना कि ये वाला इफेक्ट कहां से शुरू हो रहा है। तो गाइस यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहां पे फिर से बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे फिर से स्ट्रोक वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहां पे दिख रहा होगा स्ट्रीमर स्ट्रोक गाइस सेकंड वाला। गाइस आपको थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेना है, आगे पीछे ही मिल सकता है। तो इस पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, देन आपका रेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे इसकी लेंथ को अपने पूरी वीडियो के बराबर कर लेना है, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। सो गाइस अभी क्या करना, गाइस आपको यहां पे एक ओवरले भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहां पे बैक करना है, देन आपको ओवरले वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको यहां पे इस पे क्लिक करना है। और देखो ये भी आपको डाउनलोड कैसे करना है, गाइस वीडियो देखते आपको सब कुछ बता दूंगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, चूज करना, देन आपको यहां पे ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आप ये आ चुका, तो अभी क्या करना, गाइस आपको यहां पे एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना अभी। तो यहां से एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, गाइस आपको यहां पे इन एनिमेशन पे क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे, इन वाले पे। गाइस आपको यहां पे बहुत सारे मिल जाते हैं, पर गाइस आपको यहां पे चूज करना है जूम आउट वाला, गाइस ये वाला, तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, देन आपको यहां पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहां पे इसको थोड़ा छोटा करना है। गाइस आपको यहां पे ऊपर साइड लाके रख देना है। सो गाइस अभी क्या करना, आपको यहां पे इसकी लेंथ पे क्लिक करना है। गाइस आपको यहां पे वीडियो के बराबर का कर लेना है। सो गाइस इस पे क्लिक करेंगे
है और आपका पे लास्ट में लेके आ जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे हो चुका है। सो गाइस अभी क्या करना, आपका पे साउंड ऐड करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस आपको यहाँ पे बैक करना है, बैक करेंगे आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। गाइस आपको यहाँ से अपनी वीडियो पे क्लिक करना है जो कि मैंने यहाँ से ऐड की थी, तो गाइस इस पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है साइड में जाने के बाद। सो इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा साउंड निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आपको बैक करना है, गाइस आपको यहाँ पे फिर से इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपनी इस वाली वीडियो पे क्लिक करना है, गाइस आपको डिलीट कर देना है, इसका पे अभी कोई काम नहीं है। तो बस अभी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, यहाँ पे चला के देख लेते हैं। सो गाइस वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। देन आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे मैंने जिस ऐप का यूज़ किया कैप का टाइप का, तो गाइस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और गाइस लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर गाइस वो वाली लिंक सिर्फ टेलीग्राम में ही ओपन होती है, तो पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने जिस वीडियो और फोटो का यूज़ किया, तो गाइस इसकी लिंक भी आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर से करना, गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।